कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह उचाना दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने जयप्रकाश द्वारा बीजेपी की मदद करने के लगाए गए आरोपों पर बोलते हुए कहा कि नया नया आदमी जब जीता हो तो वो बहुत ज्यादा उत्साह में होता है और उत्साह में आदमी के मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं, लेकिन उनको भाषा पर संयम और नियंत्रण रखना चाहिए। तो वहीं बीजेपी सरकार पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी ने नायब सैनिक को सीएम बनाया और अब हरियाणा में हुई हार का ठीकरा सैनिक के सर पर फूटेगा। आदमी जब जीता हो ना तो उत्साह में होता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें निकल जाती है आदमी के मुंह से बातें। लेकिन फिर भी राजनीति में जो लोग हैं और ख़ास तौर पे जो जिनको इतने साल हो लिए, उनको थोड़ा भाषा पे संयम और नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं, बार बार यहीं आना है, हम भी यहीं हैं, तो कभी भी आदमी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि बाद में उल्टा जाना मुश्किल हो जाए। हरियाणा में हालांकि संभावनाएं तो 5 से भी ज्यादा थी कांग्रेस की, लेकिन 5 भी आना बीजेपी के लिए बहुत दुखदायी साबित हुआ है कि मेरे तो मित्र हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत खुशी की बात है, खास तौर पे कमेरे वर्ग से आते हैं उस नाते और भी ज्यादा खुशी की बात है, लेकिन उनको बलि का बकरा बनाया गया है। ये मैंने बात तब भी कही थी और मैं आज भी कह रहा हूँ, अभी लोकसभा गई है, 3 महीने बाद विधानसभा में इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा, और वो ठीकड़ा जहां जिस आदमी पर फूटना चाहिए था उसकी बजाय इनके ऊपर फूटेगा।